हे गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है तुम्हें इस चैनल ब्राउन गेमर वाईटी में। सो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई लेके आएगा सोलो विस्कोर का डी तबाही गेमले वीडियो, जिसमें किस तो कम है लेकिन गाइस आपको तबाही इक्वल देखने को मिलेगा। तो बस देखते रहना। फिलहाल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ भाई फैक्ट्री में, क्योंकि यार ये सबसे पाला हो रहा होता है। और यहाँ पे गाइस मेरे को उतरते के साथ भाई वेस्ट वगैरह मिल जाता है और भाई साथ में शॉर्ट गन भी मिल जाता है। और भाई मेरे को आ रहा था नीचे से कुछ बंदे के फुटस्टेप, तो गाइस मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ उन पे। अब जैसे मैं इस वाले बंदे को नॉक करता हूँ, इतने में इसका टीममेट रश कर देता मेरे ऊपर। तो गाइस इस वाले बंदे को भी यहाँ पे नॉक कर दिया जाता है। इसके ग्रेड से मेरे को DP 28 मिल जाता है, तो गाइस मैं इसे उठा लेता हूँ। और यहाँ पे गाइस मैं वेट करता हूँ इसके तीसरे टीममेट का, लेकिन वो आता नहीं, तो गाइस मैं इसे पूरा फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे गाइस मैं इन दोनों बंदों को नॉक करता हूँ, पूरा फिनिश करता हूँ। बट फिर भी गाइस इसका तीसरा बंदा भाई मेरे ऊपर रश ही नहीं कर रहा था, मतलब भाई थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा था इस बंदा को शायद से। और ये जो बंदा था ना भाई नीचे मस्त अपना चिल मोड में नॉन स्टॉप लूटे जा रहा था, तो गाइस मैं भी यहाँ पे सोचता हूँ बहुत लूट कर लेते उसके बाद देखते हैं। तो गाइस मेरे को यहाँ से 7 के कुछ एमओ मिल जाते हैं, साथ में मेरे को लकीली फर्स्ट एड भी मिल जाता है। तो भाई सबसे पहले एक फर्स्ट एड लगा लेते हैं, क्योंकि यार हेल्थ पावर जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है सेहत के लिए, है ना गाइस। फिलहाल यहाँ पे गाइस मैं इसका क्रेट चेक करता हूँ, इसके क्रेट से भी मेरे को थोड़ा बहुत लूट मिल जाता है। लेकिन इतने में मेरे को आता उस बंदा का फुटस्टेप, जो कि यार मेरे जस्ट नीचे है, तो भाई पकड़ते इसे। और फाइनली गाइस यहाँ पे इस वाले बंदे को भी नॉक करके पूरा फिनिश कर देते हैं। और ये बंदा यहाँ पे इतना ज्यादा लूट किया था, बट फिर भी इसे बेस्ट हेलमेट नहीं मिलता अभी तक यहाँ पे। खैर जो भी, मेरे को यहाँ से 5 के कुछ एमओ मिल जाता है, भाई साथ में मेरे को M4 भी मिल जाता है, जो कि यार बहुत ही सही है। मतलब DP+M4 का कॉम्बो, जो कि यार ठीक ठाक कॉम्बो है, मतलब भाई काम चला सकते इसे अपन। फिलहाल यहाँ पे गाइस थोड़ा बहुत लूट करते हैं, उसके बाद गाड़ी पकड़ेंगे और फिर निकलेंगे बंदों की तलाश में। तो फिर गाइस यहाँ से लूट करने के बाद मैं जा रहा था गैरेज की तरफ गाड़ी लेने, लेकिन तभी मेरे को आता लेफ्ट साइड नीचे से पिस्टल चलने की शॉट। तो गाइस जहाँ तक भी मेरे को लग रहा था कि भाई ये बोट होगा तो इजीली जाके निपटा देंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से, लेकिन देखने यहाँ पे क्या ये स्कैम होगा। और गाइस जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ना भाई, मेरे को लिटरली कोई भी बंदा नहीं दिखता है। तो गाइस मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत शक हो रहा था कि भाई ये बंदा क्या पता भाई पत्थर के अंदर ग्लिच करके बैठा हो। और यहाँ पे सेम कुछ वैसा ही होता, बस देखो आप लोग। तो फिर गाइस वहां से निकलेगा मैं ऊपर आ जाता हूँ, क्या पता भाई बंदा को यहाँ से एंगल ना मिलता हो। लेकिन भाई देखना ये जगह तो भाई और भी ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब भाई आप लोग देख सकते हो भाई ये बंदा मेरे को यहाँ पे 10 HP ऑलमोस्ट छुड़ा है। खैर यहाँ पे गाइस मैं जल्दी से एक फर्स्ट एड लगा लेता हूँ, उसके बाद गाइस मैं आ जाता हूँ सीधे इस वाले जगह पे यूज लेने, क्योंकि अगर मैं वहां से बग्गी लेता तो भाई वो बंदा मेरे को 2-3 सेकंड बाद ही पेटी में बदल देता। तो फिर गाइस वहां से निकलने के बाद मैं सीधे आ जाता भाई इस वाले जगह पे। यहाँ पे मेरे को एक मुन्ना भाई वाला बाइक दिखता है, तो गाइस मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पे बंदा होगा, तो गाइस मैं आता हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पे तो बोट होता है, तो गाइस बोट को नॉक आउट फिनिश करने के बाद मैं थोड़ा बहुत लूट करता हूँ, उसके बाद गाइस मैं यूएज पकड़ता हूँ और फिर निकल लेते हैं बंदों की तलाश में। और जैसे मैं गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे आता हूँ ना भाई, मेरे को सामने दिख जाते हैं बंदे, जो कि यार गाड़ी एक्सचेंज करने के लिए आए थे शायद से। और इस गाड़ी में टोटल 2 बंदे होते हैं, बट फिर भी गाइस ये दोनों बंदे अच्छे बच्चे की तरह निकल लेता है सामने की तरफ। और यहाँ पे गाइस मैं जैसे स्कोप इन करता हूँ ना भाई, सामने मेरे को एक और गाड़ी दिख जाता है। जिसमें सिर्फ एक ही बंदा होता है, तो गाइस मैं इस वाले बंदे को नॉक करके पूरा फिनिश कर देता हूँ। अगेन यूएस पकड़ता हूँ और फिर निकलने लगता हूँ सामने की तरफ। लेकिन गाइस जाते जाते ही मेरे को एक और बंदा दिख जाता है, जो कि यार फर्स्ट फ्लोर वाले डोर के पास है। अब यहाँ पे गाइस मैं इस वाले बंदे को नॉक कर देता हूँ, पूरा फिनिश करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन गाइस का दूसरा जो टीममेट था भाई मेरे को साइड से डैमेज दे देता है, तो गाइस मैं आ जाता हूँ भाई इस वाले पेड़ के कवर में। यहाँ मैं थोड़ा सा हीलिंग करूंगा, यूएज पकड़ूंगा और फिर रस मार देंगे इस बंदा पे। और यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो इन बंदों के पास RPG है, तो भाई थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा मेरे को। और वहां से निकलने के बाद मैं जैसे इस वाले घर में एंटर करता हूँ ना भाई, एक बंदा RPG चलाता है, जो कि यार दूसरे बंदे को मारना चाह रहा था, मतलब भाई मेरे ऊपर नहीं चलाता वो बंदा RPG। फिलहाल मैं यहाँ पे उस बंदा को ढूंढ रहा था जिसको गाइस मैंने M4 से नॉक करा था, लेकिन गाइस वो बंदा मेरे को कहीं पे मिलता नहीं है। तो गाइस मेरे को लगता है कि भाई कोई डिफरेंट स्क्वाड के बंदे इसे पूरा फिनिश कर दिया होगा। जैसे मैं ब्रोकन वॉल के पास जाता हूँ ना भाई, मेरे को उस बंदा का किल मिल जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पे एक और बंदे के फुटस्टेप भी आने लगते मेरे को।
तो गाइस मैं इस वाले बंदे को पूरा फिनिश कर देता हूं। और भाई ये बंदा यहां पे शायद से पहले से लो था। यहां पे गाइस आप लोग मिनी मैप नोटिस कर सकते हो, मतलब भाई यहां पे आ चुका है एक गाड़ी जिसमें होते हैं बंदे। तो गाइस मैं यहां पे जल्दी से फॉल बैक कर लेता हूं। और यहाँ पे गाइस मेरे ऊपर एक बंदा फायरिंग भी करता है, लेकिन गाइस मैं एंड टाइम पे अंदर आ जाता हूँ वो भी डोर बंद करके। खैर जो भी, वो बंदा मेरे को थोड़ा सा डैमेज कर दिया था, तो गाइस जल्दी से बैंडेज अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पे गाइस मैं बैंडेज अप्लाई कर ही रहा था, तभी गाइस मेरे को सामने ब्रोकन वॉल के पास एक बंदा दिखता है। और भाई ये नेट कुछ ज्यादा ही देर कुक हो जाता मेरे से, और भाई ये बंदे सामने वाले घर में आ जाते, तो गाइस मैं ऐसे मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन गाइस ये बंदा चला जाता है कवर में। और यहाँ पे गाइस अपने पास नेट भी नहीं है, क्योंकि यार अपने पास सिर्फ एक ही नेट होता है, जो कि यार मैंने पहले ही वेस्ट कर डाला। तो उसके बाद गाइस मेरा प्लान होता है इन बंदों पे रस करने का, और गाइस जैसे मैं इस पे रस करता हूँ भाई ये बंदे नीचे जम लगा देता है। और फिर ये वाला बंदा आता है मेरे ऊपर पुश करने के लिए, तो गाइस मैं इस वाले बंदे को इजीली नॉक कर देता हूँ और पूरा फिनिशिंग कर देंगे। तो गाइस इस वाले बंदे को पूरा फिनिश करने के बाद मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा हीलिंग करता हूँ, और तभी साइड में मेरे को दिखता है एक क्रेट। और लकीली इस क्रेट से मेरे को एक नेट भी मिल जाता है, तो बस देखना एक बंदा को कैसे नेट से निकालते हैं। और फाइनली गाइस यहाँ पे इस वाले बंदे को भी इजीली नॉक कर देते हैं, और भाई जाके पूरा फिनिशिंग कर देंगे। और इस बंदा को पूरा फिनिश करने के बाद मेरे को एक और बंदे के फुटस्टेप आते हैं, जो कि यार शायद इसका ही टीममेट है। और फाइनली गाइस यहाँ पे ये बंदा भी बहुत ही इजीली मारा जाता है, तो गाइस जब दबा के लूट करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे जोन भी बहुत ज्यादा काट रहा है, तो गाइस जल्दी से गाड़ी उठाते हैं फिर निकल लेते हैं सेफ जोन में। तो फिर गाइस वहां से निकलने के बाद मैं सीधे जा रहा था भाई सेफ जोन में, लेकिन तभी पीछे से कोई बंदा स्कारल से फायर करता है मेरे ऊपर, तो भाई इसे भी देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस वाले बंदे को भी M4 के स्प्रे के साथ बहुत ही इजीली फिनिश कर देते हैं। तो गाइस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद मैं यूएस पकड़ के जाने लगता हूँ, लेकिन गाइस देखना यहाँ पे क्या ही होगा। मतलब है बंदे ऑलरेडी ऊपर की तरफ होते हैं, जो कि यार मेरे को कभी भी फिनिश कर सकता था, लेकिन गाइस यहाँ मैं एंड टाइम पे गाड़ी मोड़ लेता हूँ। और सबसे पहले गाइस मेरे को यहाँ से एक दो बंदे को नॉक करना पड़ेगा। और फाइनली गाइस यहाँ मैं एक बंदे को नॉक भी कर देता हूँ, तो गाइस अब बारी थी क्लोज इन करने की। लेकिन तभी मेरे को ये वाला बंदा अपना शक्ल दिखा देता है, तो गाइस मैं इसे भी नॉक कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी थी ब्लाइंडली रश करने की इन बंदों पे। और यहाँ पे गाइस ऐसे दो दो स्कोर के बंदे थे, जो कि यार शायद से आपस में फाइट ले रहे थे। खैर जो भी, यहाँ पे गाइस मैं इन सभी बंदों को फिनिश कर देता हूँ, और अब बचा सिर्फ एक बंदा, तो गाइस मैं उसे ढूंढने के लिए आ जाता हूँ ऊपर, क्योंकि यार यही लास्ट जोन पर रहा था, लेकिन गाइस यहाँ पे कोई बंदा होता नहीं है। तो यहाँ पे गाइस जहाँ तक भी मेरे को लग रहा था कि वह बंदे नीचे होंगे, तो गाइस मैं जाता हूँ नीचे चेक करने, और बस देखना क्या होता आगे। मतलब है बंदा सामने वाले इस कंटेनर में छुपा होता है, बस देखो आप लोग।
और फाइनली गाइस इस वाले बंदे को निपटाने का तुम्हारा भाई कर लेता है चिकन डिनर। तो गाइस ये वाला गेम प्ले कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।